दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण इंद्र मेघवाल मामले में सरकार के कदमों से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे जालौर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक मैं आता रहूंगा। 5 बजे 10 घंटे के लगातार जर्नी के बाद उन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ा। मैंने सुबह फिर अपना टिकट करा लिया। मैं क्या करूं? मैं अपने समाज को मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? सरकार साहब की बात हुई थी, क्या ऐसी मन से आया? अब ये तो सरकार के लोग बता सकते हैं। मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूं। मैं अच्छा मुझे ही बताओ, मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं यहाँ कि वो मरें, उनकी हत्या हो और फिर उन्हीं को पीटा जाए? अगर मैं उनके दर्द नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? जयपुर में भी एक दलित महिला को जलाया गया है, ये कानून का फेलियर है। मैं यहाँ बोली लगवाने नहीं आया कि उनकी बोली लगाई जाए। मैं तो चाहता हूँ समान न्याय हो, जो दूसरों के साथ वही हमारे साथ। या फिर हमारा अपराध बताए कि हमारा पैदा होना गुनाह है कि हमारी हत्या की जाएगी? तो मैं वो जो दर्द है, आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन से मांग करूँगा कि भाई मुझे भेजा जाए, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं कल फिर आ जाऊँगा। सर, कल 4 घंटे पुलिस के साथ आपकी वार्ता हुई, उसके बाद में भी आपको दिल्ली छोड़ दिया गया, आज आप वापस आए, जालौर जाने का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने पुलिस से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिंगल आदमी में चलने को राजी हूँ। आप हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन, बताओ कौन सी पार्टी का व्यक्ति नहीं जा रहा है? मैं तो इस समाज में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से बिगड़ी तो 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दो, मैं अकेला भी चलने के चलूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार आपसे डर क्यों रही है? अभी आपको क्या नहीं, वो संविधान से डरती, वो जानती है कि जो असलियत वहाँ है वो जाके मैं दिल्ली में बताऊंगा। आज भी पुलिस ने रोका है, क्या है, क्या रही नहीं है? अभी नहीं रोका, आपके सामने रोकेगी फिर मैं। अब मेरा काम इनसे लड़ना थोड़ा ही है, मैं तो इनसे न्याय की उम्मीद करूंगा। जो सब लोग वर्दी पहने खड़े हैं, ये सरकार की वर्दी थोड़ा, ये तो आम जनता की भलाई के लिए वर्दी है। सरकार के प्रयास से संतुष्ट हैं आप? कार्रवाई हो रही है इसमें? जो अभी मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। मैंने उनसे भी वादा किया था पाली के परिवार से कि आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मैं वकील हूँ, बहुत संवैधानिक तरीके से लड़ता हूँ। देखिए मैं कल इन्होंने वापस भेजा, मैं चला गया, किसी झगड़ा थोड़ी किया। बातें आ रही है कि वहाँ मटकी नहीं थी या ये कारण नहीं था, उसको पहले से बीमारी थी, या कई तरह की बातें आ रही है। मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी पीड़ित के पिता से बात हुई थी, जिनकी जो मृतक है, जो उन्होंने बताया, मैंने अभी तक वो मीडिया के सामने रखा। मैं जाके देखूंगा तो बाकी बात बताऊंगा।